पहले जितने पेंडिंग केस है वो सॉल्व होंगे तब आगे कुछ होगा, भले ही उसके लिए यहीं रुकना पड़े, घर भी ना जाना पड़े। आज रात घर ही ना जाएगी तो? आप दोनों की बात कर रही मैं। मम्मी ने बिल्कुल सही फैसला लिया, अब तो जितनी जल्दी पापा से पीछा छूटे उतना ही अच्छा है। चमची फिरते बोल रहा हूँ, मुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं, आज से हमारी दोस्ती खत्म। एक सेकंड पहले मेरी बात सुनो, आपके चक्कर में मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, आपके चक्कर में मैंने बहुत सारी बातें छुपाई है, तभी मुझ पे दोष डाल रहे हो। अरे तो तेरी वजह से तो पापा ने मुझे सुनाओ, तू ना होती तो तू अरे चमची रणवीर गलत बात है, एक सेकंड काहे चोची युद्ध कर रहे हो, इधर आओ। क्या चल रहा है? अरे मैं कछु नहीं, जा चमची को देखो जी इतनी चालाक है, आपको बताओ जाके पेट में ना वाकई में एक बात ना पचती है, मैंने जाको अपना सीक्रेट बताओ और जाने पापा को बता दो। हाँ तो आपके पेट में कोई बात पचती है क्या? आपने मेरे पापा को जाके मेरा सीक्रेट बता दे कूद कूद के जाके कि मूवी देखने जा रही हूँ मैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने ना बोलो मम्मी की कसम। हाँ तो मैं दादी कसम खा रही हूँ, मैंने भी कुछ नहीं बोला। तो पापा को कैसे पता चलो? मुझे क्या पता कैसे पता चला, उनसे पूछना जाके। जैसे बेटा मशीन है तुम्हारे पापा ना कान में ठूस के घूम रहे हैं, जैसे हम लेडीज लोगों की बात जो है उन्हें सुनाई देती है, हम लोगों के भीतर का चल रहा है। जाई के लाने तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बात, तुम्हारे मन की बात जो है ना सुन ली और तुम दोनों का भांडा फूट गो। ऐसी भी मशीन होती है? देखा कट्टो, मैंने कहता था मेरा बेटा है, मैं सबको जानता हूँ। अरे मन की बात समझने में उसका पेच ना ढीला है ढीला। तुम का इतना फैल रहे हो, इसमें कोई कौन सी शान की बात है? तुम्हारा लड़का उल जलूल हरकतें कर रहा है और तुम अपना सीना चौड़ा करके घूम रहे हो। क्या देखे पिताजी? मुझे क्या दिखा रहे हो, मुझे तो पता है। अम्मा तुम्हारे लाल ले ना हद पार कर दी। सही कह रही है, जब हपुआ ने तो को फटकारा तो ना तब हमें कितनी खुशी भाई आती, हमें कहा पता कि जे सब इस मशीन की बदौलत है। तो अम्मा चको मतलब तुम हमें फटकारना चाह रही थी? तुम मुद्दे से काहे भड़क रही हैगी, तो हपुआ पे ध्यान दे कि क्या कर रहा हुआ है वो। अम्मा तुम्हें लाल को ना सबक सिखाने पड़े हैं। सही कह रही है बहू, इसके नींबू निचोड़ेंगे हम। उतर और नजर उतारो अप्पू की, हैं अपनी नजर उतरवा लो। तुम ज्यादा ना बको नहीं तो तुम्हारी भी नजर उतार देंगे हम एक मिनट में। उतारो उतारो, ऊपर आना पड़ेगा उतारने के लिए। हाँ आओगी? तू मुझको माफ कर दे, मुझको तो पे शक नहीं करना चाहिए तो। और हाँ तूने ना बात पेट में रखने के टेस्ट में बाजी मार ली। कोई नहीं, मैं भी सॉरी बोलती हूँ, मुझसे भी गलती हो गई, मैंने इतना चिल्लाया आप पे। आज से हम बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? सही है। टॉफी देगी? हाँ चला जा तो को टॉफी खिलाऊंगा। चल टॉफी बाद में खा रहा, शांति से सो जाओ। आप सर अबे हप्पू को बोलो जो बाहर दरवाजा लगा दी है। कछु नहीं। ओह माय गॉड सर, आप तो ऐसे डर गए जैसे आपके पीछे कोई डंडा लेके पड़ा हो। सर डंडा बेलन तलवार चाकू कछु भी हो सकता मनु। oh लगता है आपने कोई बुरा सपना देख लिया। सपना ही हो तो काश सपनो हो तो जो ससुर जो हमें मारने की प्लानिंग कर रही। बताओ मतलब मैडम भी आपको मारना चाहती है? भी मतलब मेरा मतलब मैडम आपको क्यों मारना चाहती है सर? क्या पता, लेकिन हमने तो सुनो अपनी कानन से सुनो कि रज्जू हमें मारने की प्लानिंग कर रही। हमें लग रहा आज रात स्वर्ग से धारने के पूरे चांस है मनोहर। एक्सक्यूज मी सर, आपको कैसे पता चला कि मैडम के मन में क्या चल रहा है और क्या गारंटी है कि आप स्वर्ग में ही जाएंगे? अरे हमने खुद सुनी, अपने कानन से सुनी। सुन इन कानन से सुनी। तो कोई याद नहीं है मनोहर, वो वैज्ञानिक जब आओ तो अपनी रिहाई के बदले में जो फुनतुणु हमें दो तो ईयरफोन डिवाइस दो तो ना, और बदले में हमने बाकू लाने तो मैं का कही थी फटाफट एयरपोर्ट छोड़ दे, वही को प्रसाद है जो। ओह माय गॉड मतलब ये तो सर आज तक का सबसे बड़ा आविष्कार है। हमें भी यही लगो तो
हम बड़ी खुश थे। हम रज्जू अम्मा दुंगन की चुटकी बजात में ना मन की बातें सुन रही थी, समझ रही थी, विद्युज ने हमसे खोच थी। लेकिन हमने जो भी सुन लो, रज्जू हमें मारने की प्लानिंग कर रही, राय तो फैल गई। रिलैक्स, आप तो बहुत बड़े डरपोक निकले। मुझे बताइए, मैडम ने आपसे कुछ कहा या आपने उन्हें कुछ करते देखा? ना, अभी तक तो नहीं। नहीं तो बस रिलैक्स हो जाइए सर, ये तो बस उनकी फीलिंग्स है जो अपने आप चली जाएगी। रिलैक्स। एक सेकंड, अपने आप चली जाएगी तो को कैसे पता? क्योंकि मैंने खुद कई बार आपको मारने की सोची है सर। यस यस सर, कई बार ऐसे लगा कि आपको चलते ट्रक के आगे ढकेल दूं या फिर आपको इस चौकी में जिंदा चला दूं। तू तो यार कैसी बातें कर रहा हूँ, हमें डर लग रहा हूँ। आगे तो सुनिए सर। का? कई बार ऐसे लगा कि आपका मुंह तकिए से दबा दूं। मनोहर, तूने तो काफी आगे की सोच ली। मजाक कर रहा होगा? मजाक नहीं सर, सच बोल रहा हूँ। कई बार तो ये हाथ आपको मारने के लिए उठाए पर जय हिंद करके अपना मन मारता हूँ सर। तो फाइनली निष्कर्ष ये है कि एक सेकेंड, हमने सारू निष्कर्ष समझ लो, अब का निष्कर्ष समझा रहो? तूने सब कह ली, हमें समझ में आ गई कि तेरे मन में काका चलतो है, काका चलतो है, सब चलतो है। हमने मन की बात जान भी ली बिना जाके। लेकिन सिर्फ मन में चलता। हाँ हाँ, समझ गए। एक्शन। अदरक वाली चाय मंगा। यस सर। अरे दादा, आस पास हमारे सांप पल रहे। पापा? पापा? का हुआ पापा? कौन सी इमरजेंसी आ पड़ गई जो आपने हमें बीच क्लास में तो बुला लो? आ गई इमरजेंसी, आ गई, इधर आ जाओ। सब ठीक तो है पापा? असल में बेटा इमरजेंसी बहुत बड़ी आ गई। तुम्हारे को पता नहीं है तुम्हारे बाप के साथ में क्या हो रहा हूँ। अरे पापा साफ साफ बोलो ना, हमारे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। बेटा बात ऐसी है, हमें हमारे विश्वसनीय सूत्रों से पता चलो है कि तेरी मम्मी हमें मारना चाहती है। हाँ, तू हमें सूंग रहो? नहीं नहीं, चेक कर रहा हूँ। लग गो। अरे का चेक कर रहा हूँ, वही बाप है ओरिजिनल, कचा रहा हूँ। अरे दिन में टिका लई है का? हमने और का वर्दी में का बक रहे हो आप? अरे यार ऐसी बातें ना कर, हम जो कह रहे कि तेरी मम्मी को कहोगे, हमें समझ में ना आ रहा है। मामा जान के पीछे पड़ी? नहीं पापा, मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है, वो आप पे जान कुर्बान कर देंगे लेकिन आपके जान लेने कभी नहीं सोचेंगे। हम आखिर तेरी इकलौती बाप हैं, हमारे बारे में कछु तो सोचो तुम हो रहे यार। अब पापा देखो, सोचने से का हो, राम जी ने जितनी चाबी भरी होगी खिलौना उतना ही तो चलेगा। लेकिन का मतलब तेरो? हमने पटने वाले हैं। अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, आपकी चाबी अभी बाकी है। हाँ पापा ठीक है, चिल पिल, अभी जाओ आप आराम से घर पे जाओ। ठीक है ठीक है बेटा, तुम्हारे इतना अगर कह रहे हो, समझा भी रहे हो तो हम तुम्हारी बात मान रहे, लेकिन हम साथ ना छोड़ियो तुम्हारे। हाँ पापा, हम हमेशा आपके साथ हैं। पढ़ो पढ़ो। हमने गलत समझ लो होगो, शायद रज्जू गुस्से में होगी, यही वजह से मुंह से निकल गए होगो। ठीक है बेटा, ठीक है दादा। Bye. Bye, 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 bye. Oh my God, father, mother, grandmother, everybody. Job finally coming. अरे? Job लग गई. अरे बधाई हो कौए, बधाई हो. बेटा बहुत बहुत बढ़िया कौआ। बेटा जब बात की बड़ी खुशी हो रही है कि अब तुमको फ्री को मली दामा, मतलब मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने पड़ेंगी। Excuse me, father. My job leggings. मेरी लगी है जॉब। का? तेरी? तेरी लगी है जी? अरे मतलब कि तू नौकरी करेगी और जे कौआ घर में बैठ के काऊ काऊ करेगा? ग्रैंडमा, शी वर्किंग मी वर्किंग, सेम टॉक सेम वर्क, व्हाट इज द प्रॉब्लम? का? अरे अरे कमलेश ब्रो का कहने का मतलब है कि केट दीदी काम करे या वो काम करे, एक ही है। ऐसे कैसे एक है? एक है इतना हम बताते हैं, एक है कि दो है? ना, तो ठीक है एक देंगे। तू घर में बैठ के ऐस करेगा और हमारी बिटिया दर दर भटक के कैसे लेके आएगी घर में? ओ ग्रैंडमदर, कमलेश आल्सो गेटिंग जॉब सून,
He's searching, searching. So one day job coming, coming. Don't worry. कितने को job लगी क्या? Oh, me is working in hotel indecent. हाँ? हाँ? Indecent? Indecent? Hotel? मतलब hotel decent ना है? Oh, father. I double N in that in. अच्छा वैसे decent है ना? Yes, yes, yes. कर 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 कर. Me job is receptionist. And one problem is there that me always having to smiling. No small face, only smiling. Oh, अच्छा मतलब बिना बातें से दांत दिखाने पड़ेंगे. बड़ी अजीब नौकरी. अप्पू एक बात पूछूं, तुम्हें मलाई का एसीपी के अंडर में काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कौन दिक्कत नहीं है साहब, जब हम आप जैसे इंसान के साथ काम कर सकते हैं दिक्कत नहीं भाई. तो फिर मेरे जैसा मतलब? आपकी जैसों को मतलब है आप जैसो ईमानदार काम के प्रति समर्पित आदमी, ड्यूटी पे जान देने वालों. तो फिर बात हमारी बिटिया है, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि एसीपी जो मलाइका है वो बहुत ही डिसिप्लिन है और तुम्हें डिसिप्लिन की आदत नहीं है. कहीं ऐसा ना हो कि बेटी बाप को थाने के बाहर मुर्गा बनने को कहे. अरे कर ना ना, कोई दिक्कत नहीं है साहब, आप टेंशन ना लो. सर 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 सर, अरे आराम से सांस. अरे मनोहर मनोहर सांस ले लो. हुआ क्या, क्या हुआ बताता हूँ. पानी नहीं है जो नारियल पानी है. सर सर वो हमारे जेल में वो गुंडा था ना मगलू. हाँ? मगलू वो भगलू सर, आई मीन वो भाग गया सर. गॉड, बहुत ही खतरनाक है वो. अरे वो तो बात बात पे गले की नस काट देता है. आप टेंशन ना लो साहब, आप आराम से नारियल पानी पियो. जैसे हम बाको दबोचेंगे ना, सबसे पहले सारे की नसें खींच लेंगे. शाबाश. गॉड, गले की नसें. कर लो, लग जाएगी नस कट जाएगी. अपनी अपनी बंदूकें फेंको. ओके ओके पकड़. थैंक यू सर. खाली हो गो. ले जो रख दी हमने, जो रख दी. खबरदार, किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो कमिश्नर की गले की नसें काट दूंगा. अरे अब काहे काट दे वो, अब हमने सरेंडर कर दो ना. अरे मगलू, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है, तुम जा सकते हो. जाओ. कमिश्नर, तुम मुझे खुद ड्रॉप करोगे? मैं ड्रॉप करूंगा? चाकू फेंक, कोई कछु ना करेगा. एक्सक्यूज मी सर, सर ये मगलू उतना भी बेवकूफ नहीं है. उसे पता है जैसे चाकू नीचे रखेगा आप उसे फिर से जेल में डाल दोगे. तेरू बताना जरूरी है धी के लट. ओ दादा, अरे हमने सरेंडर कर दो. जी जी बेईमानी है, जो चीटेंगे चीटेंगे. मगलू? अरे वो मगलू मगलू. अरे चीटेंगे दादा. ओए मगलू, छोड़ कमिश्नर को. तेरे ट्रिगर दबाने से पहले मैं इसका गला काट दूंगा. अच्छा, एक काम कर, काट दे. तू भी मरेगा और कमिश्नर सर भी मरेंगे. अरे ये कैसी बातें कर रही, जब बिटिया हमें शुरू से पसंद नहीं है, गलू कट जाएगा उनको. एक काम कर, तू काट ही दे. वैसे भी क्या फायदा, मतलब बच के तो तू वैसे ही ना जा पाएगा. अगर मैंने गोली ना भी चलाई तो भी कमिश्नर सर के खून के इल्जाम में अंदर जाएगा. एक काम कर, काट दे. चल तो काट ही देता हूँ. मगलू है, वेट वेट. well done, एसीपी मलाइका. Well done, क्या बात है, क्या धुआंधार एंट्री की है और मेरी जान बचाई है. बहुत अच्छे मलाइका. हम भी बचने की कोशिश, हम मतलब हम भी बचाने की कोशिश कर रहे थे, प्लानिंग चल रही थी साहब. Shut up, हप्पू सिंह, just shut up. सीखो सीखो. एसीपी मलाइका की बात ही कुछ और है, इसकी जाबाजी कुछ और है. गुड जॉब. बिटिया कौन की है लादी? हमने सीखो साहब, हमने जो आज एक नई चीज सीखी कि नारियल जो है ना वो पीने की भी चीज है, साथ में जीने की भी चीज है. हप्पू दरोगा हप्पू सिंह ने कितने सॉल्व करे? ओनली वन. एक काम करो मनोहर, सारे पेंडिंग केस की फाइल लेके आओ. पहले जितने पेंडिंग केस है वो सॉल्व होंगे, तब आगे कुछ होगा. भले ही उसके लिए यहीं रुकना पड़े, घर भी ना जाना पड़े. जाकू मतलब आज रात घर ही ना जाएगी तो? आप दोनों की बात कर रही मैं. अरे बुलाओ ना मलाइका को.
अरे आ रही है कि काय इतना हुलहुला रहे हो? दादी तेने बुलाया? हाओ हाओ इते बैठ। आय माय बिटिया, तेरे दादाजी बड़े खुश हैंगे, मिलना चाह रहे हैं। तूने सच में बिटिया हमारे पूरे परिवार की शान बढ़ा दी, नाक ऊंची कर दी हमारी। दादी तन्ने तो पता ही है, ये पुलिस का कीड़ा बापू ने लगवाया मेरे अंदर, बस उसी के नक्शे कदम पे चल रही। अरे ना ना बिटिया, अप्पू के नक्शे कदम पे चलेगी ना तो वो तो नालायक था ही, तुम भी नालायक बन जाओगी। कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें ना करो। तो क्या कर रहा हूँ, समझाओ ना उसको। दादाजी यही है। हाँ इतने ही है, आशीर्वाद ले ले। हाँ दादाजी आशीर्वाद दे दो। ना ना उनके पैर इतने हैंगे बिटिया। अरे लेटे है इतने उनकी खोपड़िया, इतने पैर हैंगे। जीती रहे बेटा, जीती रहे। जीती रहे। मलाइका से कहो एक लड़की होने के बाद भी इसने अच्छे अच्छे लड़कों की, बड़े बड़े लड़कों की छुट्टी कर दी है, मुझे उस पर गर्व है। तेरे दादाजी बोल रहे हैं कि तूने लड़की होके बड़े बड़े लड़कों को पीछे छोड़ दिया है, उन्हें गर्व है तुझ पे, हमें भी है। थैंक यू दादाजी। दादी दादा से बोल कि तू, दादाजी तुम देखते जाओ बस, ठीक है? अभी आने वाले टाइम में ना ये छोरी पूरे खानदान का नाम रोशन करेगी। कट्टो इसे बोल दो जिस काम में इसके बाप ने नाक कटवाई ना उसी काम में ये सर ऊंचा करेगी। अरे बोले ना, क्या हो कर रही हो? अच्छा तेरे दादाजी बोल रहे हैं कि जिस काम में तेरे बाप ने इनकी नाक कटाई उसी काम में तू उनको सर ऊंचा करेगी। ना ना दादी, दादा से बोल ऐसी कोई बात ना है, बापू का बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता के पीछे। हाओ हाओ समझ गए। क्योंकि बापू ही वो इंसान है जिसने मन्ने सिखाया कि पुलिस इंस्पेक्टर बनने के बाद कौन कौन से कारनामे नहीं करने। चलो कम से कम घर में कोई तो समझदार है। मलाइका हम तो बस ये चाहते हैं तू खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। दादी जिसके साथ पूरे परिवार का आशीर्वाद हो उसे सफलता पाने से कौन रोक सके। कट्टो इसे बोलो कि इसने मेरे सपने पूरे किए हैं, जब हुआ हवालदार बना ना तो मैं कितने सपने देखे थे, लेकिन उस नालायक ने मेरे सपने में पानी फेर दिया, लेकिन इस लड़की ने एसीपी बनकर मेरा सपना पूरा कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। बोलो इसे। तेरे दादा ना बड़े भावुक से है रहे हैं। अच्छा कह रहे हैं कि तूने एसीपी बनके उनको सपना पूरा कर दो। दादाजी दादी अब क्या बताऊँ मैं, मुझे कभी कभी खुद यकीन नहीं होता, मैं तो थारी सबकी शुक्र गुजार हूँ एक तरह से, मतलब मेरे सपने को सबने अपना सपना बना लिया और देख मैं कहाँ तक कहाँ पहुँच गई। खुश रहे खुश रहे, खूब मेहनत कर। जा जा जा, थक गई होगी, जा जा के सो जा। ठीक है दादी। कुर्सी तो धर दे वापस। हाँ, हाँ। ओहो सफाई भी शॉपिंग भी सारा काम मुझे करना पड़ता है। बाय कैट। कमलेश बाय बाय। बाय यू पीस हैंगिंग्स। कैट कैट व्हाट इज दिस, व्हाट अ जोक रनिंग इन दिस हाउस, नो 2 रुपीज इज्जत इन मीन इन दिस हाउस, 2 कौड़े की इज्जत नहीं है इस घर में मेरी यार। देन इंक्रीजिंग यू इज्जत ना, देन यू फीलिंग गुड। ओह व्हाट अ जोक, नाइस जोक। Me the husband, damad of this house, and everybody treating me like servant. Hey, ye leke aao. Hey, wo leke aao. Kamlesh, then you staying here? Free ki chhat, free ka food also you eating. To sab to bolenge na, job bhi nahi hai tumhare paas. Oh, cat, but me trying na good job, but good job not coming to me. What me doing? What me also doing, Kamlesh? Thing is, actually me is doing job, Malaika is doing job, only you out of job. Oh my God. Cat, my wife, you also changing. No, Kamlesh, actually, see me knowing that one day you getting big job, me knowing that. Then we both becoming Abhishek's wife. Abhishek's wife? Ash, aur hum dono ki Ash ho jayegi phir. Oh, that one, oh, Ash. Oh my, Ash. Oi, kya ho raha ho? Kya ho raha? Huh? BP just talkings? Yahan khopche mein. Actually, private talking, something like meaning. He's doing very hard work, na, my dear Kamlesh. So he's tired. Hard work? मुझे तो निठल्ला नजर आ रहा है, या कोई hard work नहीं दिखाई देता मुझे इसका. Excuse me, Malaika. What do you think? Drinking cold drink direct flying into your mouth. Me giving, na? Actually, you giving. Mouth not, me not giving. अच्छा, बहुत बड़ा काम है वो तो जैसे हैं.
अपने ही घर की पार्टी में मतलब ड्रिंक देने को तो काम कह रहा, और तूने एंजॉय ना करा पार्टी में। खैर दीदी इसे छोड़, तू एक काम कर, तू ऊपर चल, बापू ने देख लेना पिटेगी तू भी। व्हाई यू बिकम ऑलवेज हड्डी बोन इन दिस कबाब? बोथ ऑफ। ये लाइन ना मुझे बोलनी चाहिए तुझे, तू है हड्डी। नो, मैं तो हस्बैंड ऑफ कैट का। यू फॉरगेटिंग? हां गलती से। गाइस यू प्लीज डन फाइटिंग्स, ओके? मी इज गोइंग मलाइका। कमलेश माय हनीमनी, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।